नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिल्मी बीट पर। बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों की कोरोना रिपोर्ट आई सामने, वायरल हो रहा है ये ट्वीट। वेल, बॉलीवुड निर्माता बोनी कपूर और जानवी कपूर ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि उनका हाउस हेल्प स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस कारण उनकी पूरी फैमिली होम क्वारंटाइन हो गई है। इस खबर के बाद से ही जानवी कपूर और उनके पिता बोनी कपूर के फैंस लगातार उनकी सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा करते नजर आए। फैंस को उनकी सेहत के बारे में काफी चिंता हो रही थी। इसी बीच बोनी कपूर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपने चाहने वालों को खुश कर दिया है। निर्माता बोनी कपूर ने ट्वीट कर लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी बेटियों और मेरी कोरोना मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हमारे साथ काम कर रहे 3 स्टाफ का कोविड-19 मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जो कि इलाज के बाद रिकवर कर चुके हैं। हमारे 3 स्टाफ पॉजिटिव पाने के बाद हमारे पूरे परिवार को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया था। इस दौरान हमने सभी नियमों का पालन किया। अब जब कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव है तो हम सब काफी खुश हैं और एक बार फिर से नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं बोनी कपूर का ये ट्वीट। बोनी कपूर ने इस ट्वीट के साथ बीएमसी और मुंबई पुलिस को भी टैग किया है। बोनी द्वारा शेयर किया गया ये ट्वीट काफी पसंद किया जा रहा है। बात करें जानवी की तो बहुत ही जल्द वो नजर आने वाली हैं गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल, इसके अलावा रूही अफ़ज़ा और दोस्ताना 2 में। गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल और रूही अफ़ज़ा की शूटिंग जानवी कपूर ने पूरी कर ली है और सिर्फ रिलीज का इंतजार है। लॉकडाउन की वजह से इन फिल्मों की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है, जिस वजह से ये साल 2020 के अंत तक रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।